Hello everyone, welcome in Manufacturing Processes online lecture series of subject code 22446 of 4th semester, unit number 3, Casting and Plastic Molding. Topic number 1, Introduction to Casting. Lecture number 14, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as introduction to casting process and pattern making. Classification of pattern and casting. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe casting process and pattern making. Classify pattern and casting. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3 by this table. Overview of last lecture. तो last lecture में हमने देखा slotting machine के operation जो हमारे syllabus के हिसाब से unit 2 है, shaper and slotting machine. अभी हमें डिस्कस करना है कास्टिंग. तो ये प्रोसेस है कास्टिंग की. ऐसी प्रोसेस आपने पहले भी देखी होगी शायद से, जो पीतल की मूर्तियां वगैरह बनाते हैं या एल्यूमिनियम की मूर्तियां बनाते हैं, वो ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं. कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा शायद से, पर हमारे बचपन में जो था तो हमारे घर के पास मूर्तियां बनाने वाले आते थे और वो क्या करते थे, वो अपनी वीट रहती ना, वीट घर में बनाने की जो ब्रिक्स रहती है उसके भुरके के अंदर जो भी मूर्ति का शेप चाहिए वो उसमें प्लेस करते थे और बाद में उसको निकालते थे. निकालने के बाद वो हीटेड से हम जो कंपोनेंट देंगे यानी हमारे जो पुराने बर्तन है उसको वो मोल्ड करके यानी उसको लिक्विड करके उस कैविटी के अंदर डालते थे और उसी प्रोसेस को कास्टिंग कहा जाता है, ये बाद में पता चला. तो आइए देखते हैं कास्टिंग. तो ये एनिमेशन में आपको काफी चीजें क्लियर हुई है कि किस तरह से ये कास्टिंग किया जाता है. तो ये है हमारा पैटर्न जिसको हमने ये साइन बोलो या जो भी मटेरियल है इसके बारे में लेटरली डिस्कस करेंगे उसके अंदर डाला. उसके अंदर डालने के बाद उसमें वो कैविटी फॉर्म किया और उसके बाद उसको निकाल दिया, उसका इम्प्रेशन जमा और इम्प्रेशन जमाने के बाद उसको निकाल दिया. फिर मोल्टेन मेटल ये होल से उसमें इंसर्ट किया और उसके बाद ये बाहर निकला. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए कास्टिंग. तो आइए देखते हैं, कास्टिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच ए लिक्विड मटेरियल इज यूज पुअर इन टू ए मोल्ड. तो ये जो है कास्टिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसमें मोल्टेन मेटल को लिक्विड फॉर्म मटेरियल जो रहेगा इसको मोल्ड कैविटी के अंदर पोअर करेंगे, मीन्स डालेंगे, विच कंटेन्स ए हॉलो कैविटी ऑफ ए डिजायर शेप. और किस में डालेंगे ये मोल्टेन मेटल, ये मोल्टेन मेटल हॉलो कैविटी के अंदर डालेंगे जो कि हमारा डिजायर शेप रिक्वायर्ड है वो उस शेप में, एंड देन अलाउ टू सॉलिडिफाई. उसके बाद उसको हम सॉलिडिफाई यानी सॉलिड फॉर्म में आने देंगे और उसके बाद वो जो कंपोनेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज ए कास्टिंग प्रोडक्ट. द सॉलिडिफाइड पार्ट इज ऑल्सो नोन एज ए कास्टिंग विच इज इंजेक्टेड और ब्रोकन आउट ऑफ द मोल्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस. तो ये है हमारी कास्टिंग. कास्टिंग में क्या होता है, सिंपल एक मटेरियल रहेगा जिसका हमें शेप चाहिए. अब उसको हम क्या करेंगे, कोई भी सॉफ्ट मटेरियल के अंदर उसका इम्प्रेशन जमाएंगे और इम्प्रेशन बनने के बाद मटेरियल को वो रिमूव करेंगे. उसके बाद फिर उस हॉलो कैविटी के अंदर हम मोल्टेन मेटल को पुअर करेंगे. मोल्टेन मेटल को पुअर करने के बाद हम उसका सॉलिडिफाई होने तक का वेट करेंगे. इस प्रोजेक्ट से जो हमारे प्रोसेस से जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट्स कॉल्ड एज ए कास्टिंग प्रोडक्ट. ठीक है, तो कास्टिंग में ये एक शेप है, इस तरह से हम उसमें कंपोनेंट को बनाते हैं. तो ये जो है ये हमारी साइन है, बेसिकली हम साइन का यूटिलाइज करते हैं. लैटरली डिस्कस करेंगे ये कैसे टाइप की साइन होती है, साइन क्या होती है. तो ये साइन है हमारी, साइन के अंदर हमने ये मटेरियल को इन किया है, ये हमारा डिजायर शेप है. डिजायर शेप में ये जैसे लाइन दिख रही है ये डिजायर शेप है, उसमें हॉलो पोर्शन है. हॉलो पोर्शन में
अगर हमें मटेरियल को जाने नहीं देना, इसका मतलब उसमें कुछ और मटेरियल हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड एज ए कोर। ठीक है, ये बॉटम बोर्ड है, ये आपका राइजर है, ये दूसरा आपका रनर है, दैट इज ए कोप एंड दैट इज ए ड्रैग। कोप इज ए अपर पोर्शन ऑफ द हॉलो कैविटी, हॉलो यानी हमें जो सैंड को अंदर प्रिपेयर करना है उसका जो आउटर कवर रहेगा, तो ऊपर के शेप को कोप बोलेंगे और नीचे के शेप को ड्रैग बोलेंगे। तो ड्रैग के अंदर पहले हमने क्या रखा, एक को पैटर्न रखा, पैटर्न को निकाल दिया, पैटर्न को निकाल देने के बाद उसको दूसरे ड्रैग को कोप से ढका है, और उसके बाद फिर हमने ये शेप्स बनाए, उसमें जो है हमारे रनर राइजर, क्योंकि इससे मटेरियल क्या होगा जाएगा, यहाँ से रनर से मोल्टेन मेटल को पुअर करना है, तो ये क्या है राइजर है, यानी राइजर क्या बताएगा कौन से लेवल तक मटेरियल फिल हुआ है। यहाँ से अगर मटेरियल दिखना चालू हो गया, इसका मतलब हमारी मोल्ड कैविटी के अंदर यानी पूरा मोल्टेन मेटल फिल हुआ है। अगर हमें दिखेगा ही नहीं तो पता ही चलेगा क्या, हो सकता है कि यहाँ पे आके मटेरियल रुक जाएगा मोल्टेन मेटल, और यहाँ से ही रुक जाएगा, और फिर वहां पे हमारे उस ऑब्जेक्ट के लिए मोल्ड कैविटी के अंदर मटेरियल नहीं जा पाएगा, इसलिए ये राइजर होता है। इसके हर एक टर्म को हम लेटरली डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट को बोलते हैं। तो आइए देखते हैं स्टेप्स ऑफ कास्टिंग। तो कास्टिंग में क्या क्या होता है ये एक स्टेप से देखते हैं। तो हमारे पास एक होनी चाहिए सैंड, क्या होनी चाहिए सैंड, सैंड क्या करेगी मोल्ड बनाएगी, सैंड क्या होगी मोल्ड बनाएगी, ठीक है। और दूसरा होना चाहिए मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, यानी जिस मेटल का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर हमें पीतल का बनाना है तो पीतल चाहिए, जर्मन का बनाना है तो जर्मन चाहिए, मेटल का बनाना है तो मेटल चाहिए, इन मेल्टिंग फॉर्म दैट इज ए फर्नेस। तो ये मेटल कहाँ पे मेल्ट होगा फर्नेस में, ठीक है। और साइन हमें किसके लिए लगेगी मोल्ड के लिए। अब मोल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए, साइन मिल गई, साइन के अंदर क्या करेंगे हम मोल्ड कैविटी बनाएंगे। मोल्ड कैविटी कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग ऑफ पैटर्न मेकिंग, कोर मेकिंग एंड गेटिंग सिस्टम, जो अभी हमने प्रीवियस इसमें कास्टिंग इंट्रोडक्शन में डायग्राम देखी थी, उस डायग्राम में जो साइन थी उस साइन के बाजू में क्या था, पैटर्न को इंसर्ट किया, फिर साइन डाले, साइन को हैमर किया, जो भी प्रोसेस है वो वन बाय वन पढ़ेंगे। तो उसके बाद और आपने साथ में एक प्रैक्टिकल किया था मोल्डिंग का, तो उस मोल्डिंग के प्रैक्टिकल में यही प्रोसेस क्लियरली बताई गई है। तो उसी के तरीके से पैटर्न मेकिंग, कोर मेकिंग और गेटिंग सिस्टम, ये बना के हम क्या करेंगे उसमें मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करेंगे, सैंड के ऊपर इंप्रेशन जमाएंगे जिस ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है, ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ पैटर्न कोर एंड गेटिंग सिस्टम। फिर उसमें क्या होगा, मोल्टेन मेटल आएगा और पुअरिंग इनटू मोल्ड। तो मोल्टेन मेटल क्या करेंगे हम मोल्ड कैविटी के अंदर इंसर्ट करेंगे, पुअर करेंगे, पुअर करने के बाद वो क्या होगा सॉलिडिफिकेशन होगा। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद वो जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट। देन शेक आउट रिमूवल ऑफ राइजर एंड गेट्स। तो जिससे कि हमने कास्टिंग प्रोडक्ट की डायग्राम देखी थी, तो जो रनर एंड राइजर बनाते हैं वो क्या करते हैं, मेटल को डालने के लिए पुअर करने के लिए बनाते हैं एक रनर, और राइजर देखते हैं कि कितना मटेरियल हमारे कास्टिंग प्रोडक्ट के अंदर फिल हुआ है। तो उसको वो तो हमारे कंपोनेंट का यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का पार्ट नहीं था, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो वो हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे। फिर उसी कंपोनेंट को हम हीट ट्रीटमेंट देंगे, एडिशनल हीट ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि वो कंपोनेंट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद हम उसकी क्लीनिंग एंड फिनिशिंग करेंगे बाय अप्लाइंग प्रेशर टाइटनेस। प्रेशर टाइटनेस अप्लाई करके उस कंपोनेंट को अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके साइन पार्टिकल्स रिमूव करेंगे, और उसके बाद उसके इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट यानी क्या, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आते हैं कास्टिंग में, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, और इस तरह से हमारा इस स्टेप्स के थ्रू हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये प्रोसेस जिस तरह से बनाते उसकी ये डिफरेंट वे से एक स्टेप्स दिए। तो आइए देखते हैं, इस स्टेप को भी समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेक बॉटम मोल्ड, बॉटम यानी क्या, कोप एंड ड्रैग देखा था, तो ऊपर का कोप होता है, नीचे का ड्रैग होता है, तो बॉटम यानी ड्रैग, ड्रैग को हम क्या करेंगे सैंड से फिल करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले सैंड रखेंगे, सैंड के बाद उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे पैटर्न रखेंगे नीचे साइड में, और उसके नीचे साइड में पैटर्न रखने के बाद फिर उसमें सैंड डालेंगे, और टूल और
हैमर से हम सैंड को टाइटली फिट करेंगे ताकि कोई इसमें अंदर अगर हाई प्रेशराइज लिक्विफाइड मेटल आए तो ये सैंड उसमें से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद हम इसको सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद इसको क्या करेंगे, टॉप से मेंटेन करेंगे। टॉप से मेंटेन करने के बाद दूसरा उसमें रनर एंड राइजर गेटिंग सिस्टम ये सारी चीजें बनाएंगे। ठीक है, ऐसा बनाने के बाद हम दोनों कंपोनेंट को आपको बॉटम और अपसाइड टॉप मोड यानी कोप एंड ड्रैग अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ता, बाद में ये पैटर्न को रिमूव करना पड़ता है जो प्रोसेस सी में दिखा है, पुट आउट पैटर्न। इस पैटर्न को आपको निकालना है जो वुडन का है या कोई भी मेटल का। इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को असेंबल करेंगे एक के ऊपर एक रनर राइजर ये सब बना के, और बाद में हम इसमें रनर राइजर से मटेरियल को पोर करेंगे मोल्टेन मेटल को जो इस होलो कैविटी के अंदर जाएगा। दूसरे से राइजर से हमें दिखेगा कि मटेरियल कहाँ तक फिल हुआ है, और इसको सॉलिडिफाई होने के लिए जितना टाइम लगता वो सॉलिडिफाई होने देंगे, और उसके बाद हम इस सैंड को रिमूव करेंगे। सैंड यानी इस कंपोनेंट से, इस असेंबली सैंड बॉक्स से सैंड को साइड में करके ये कास्टिंग प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे जो कि हमें इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से ये हमारा मटेरियल का प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ इतना था सर्कुलर टू सर्कल्स। तो ये हमारा प्रोडक्ट है और ये एडिशनल बना है, तो इसको हमें मशीनिंग प्रोसेस से कट करना पड़ेगा। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कास्टिंग यहाँ पे एक्सप्लेन की है बाय ब्लॉक डायग्राम और एक्चुअल प्रोसेस डायग्राम। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कास्टिंग। तो ये कास्टिंग के कुछ टाइप्स है जो हमें लेटरली डिस्कस करना है हर किसी को डिटेल में। तो फर्स्ट है हमारा सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग, जो इस तरह से प्रोसेस होती है। सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग की आप एनिमेशन काफी क्लियरली देखो, ये प्रोसेस एग्जाम में आती है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना ही है। सिर्फ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एनिमेटेड डायग्राम शो कर रहे। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कास्टिंग। तो कंटिन्यूअस कास्टिंग यानी क्या, कि यहाँ से एक तरफ से क्या होगा, मटेरियल पुअर होगा तो दूसरे तरफ से क्या होगा, प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली बनते जाएंगे। तो ये कास्टिंग कंटिन्यूअस रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कास्टिंग। नेक्स्ट है हमारी डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग में आप डाई का फॉर्म ले लो और उसको क्या है, मोल्टेन मेटल से पंच करते रहो, तो दैट इज कॉल्ड एज ए डाई कास्टिंग। वैक्यूम कास्टिंग। वैक्यूम कास्टिंग में ये स्टेप्स यूज करते हैं, मोल्टेन मेटल को लेते हैं, हीटर को लेते, एक मेटल को लेते हैं जिसका हमें शेप बनाना है, उसमें हीटर अप्लाई करते हैं। हीटर अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, उसमें एयर को फिल करते, एयर वैक्यूम आती है, वैक्यूम से फिल होने के बाद वो क्या होगा, उस हीटेड मेटल का क्या होगा, एक डिजायर शेप फॉर्म होगा एयर के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम कास्टिंग। इसके अलावा सैंड कास्टिंग है, हम जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसमें बेसिकली सैंड यूज की जाती है कास्टिंग प्रोसेस में कैविटी बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ए सैंड कास्टिंग। एंड लास्ट है हमारी शेल कास्टिंग। तो जो हॉलो कैविटीज होती है यानी हॉलो में शेल फॉर्म करना, यानी शेल का जैसा शेप होता है वैसे ही होलो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए शेल कास्टिंग भी प्रिपेयर होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द टाइप्स ऑफ कास्टिंग। तो देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ कास्टिंग एंड यू लर्न 2, 3 और 4 इन डिटेल्स इन दिस। आइए देखते हैं पैटर्न। तो हमने देखा कि कास्टिंग प्रोसेस में पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैटर्न ऐसा एलिमेंट है जो हमें जिस मेटल का ऑब्जेक्ट बनाना है और यानी जिसका कास्टिंग प्रोडक्ट बनाना है उसी का सेम डायमेंशन का शेप, दैट इज कॉल्ड एज ए पैटर्न। इन कास्टिंग ए पैटर्न इज ए रिप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कास्ट। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, रिप्लिका, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट यूज टू प्रिपेयर द कैविटी इंटू विच मोल्टेन मटेरियल विल बी पोर ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस। तो ये क्या है पैटर्न, ये जो है ये कास्टिंग प्रोडक्ट जैसा ही दिखता है पर दूसरे मेटल का होता है, और ये यूज किए जाते हैं किस लिए, टू प्रिपेयर ए कैविटी। साइन के अंदर मोल्ड कैविटी बनाने के लिए, ठीक है, ये पैटर्न का यूटिलाइज करते हैं। इसमें अंदर सैंड डालते हैं, बाद में टाइटली फिल करते हैं और बाद में ये पैटर्न को निकाल देते हैं, तो वहाँ पे बन जाती है मोल्ड कैविटी, और उस मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टेन मटेरियल को पोर करके बाद में सॉलिडिफाई होके ये कास्टिंग प्रोडक्ट को आता है।
patterns used in sand casting may be made of wood, metal, plastic or other materials. तो ये जो patterns होते हैं ये wood, metal, plastics और other materials से बने. आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न्स. टाइप्स ऑफ पैटर्न देखने के पहले आपको यही प्रोसेस हमने जो पहले पढ़ी थी वही प्रोसेस आपको यहाँ पे दी गई है. तो ये हमारा पैटर्न है. पैटर्न में सर्कुलर शेप है और ये डिफिकल्ट शेप है. तो ये दोनों साइड से सिमेट्रिक होने की वजह से एक सेंटर लाइन से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया. दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये प्लेट आ गई. ये प्लेट आने के बाद ये जो है हमारी पार्टिंग लाइन है, ठीक है. तो ये दोनों को डिवाइड करेगी और इस प्रकार उस पर रनर, राइजर, ये सारी सिस्टम और गेटिंग सिस्टम बनेगी. इन दोनों प्लेट को कंबाइन करके हम सैंड के अंदर डालेंगे और सैंड कैविटी प्रिपेयर होगी. ये सैंड कैविटी प्रिपेयर होने के बाद हमें क्या करना है, ये पैटर्न को, प्लेट्स को बाहर निकालना पड़ेगा. तो इसमें ये रनर, राइजर, कोप पैटर्न, गेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बन जाएगी. ये होने के बाद हमें ये प्लेट्स को बाहर निकालना है और इन दोनों बॉक्स को, कोप एंड ड्रैग को कंबाइन करना, ठीक है, एट द जॉइंट ऑफ पार्टिंग लाइन. और उसके बाद इसमें मोल्टन मेटल पोर करना है. मोल्टन मेटल किससे पोर होगा, रनर से. रनर के अंदर से हम मोल्टन मेटल डालेंगे और ये इस होलो कैविटी के अंदर फिल होगा. और इसमें ये जो कोर है ये क्या है, होलो पोर्शन जनरेट करने के लिए दूसरी साइन यूज की है जिससे ये पोर्शन को ढक लिया है. तो यहाँ पे मेटल आएगा क्या, नहीं आएगा. तो इस तरह से ये सर्कुलर टू राउंड का डबल डायमीटर का सर्कुलर सिलेंड्रिकल पोर्शन जनरेट हुआ है. दैट इज ए कास्टिंग प्रोडक्ट बाय एंड इट इज जस्ट लाइक लुक लाइक ए रिप्लिका ऑफ पैटर्न, ठीक है. तो ये वैसे ही दिख रहा है जैसे कि हमारा पैटर्न था, उस पैटर्न से ये बना हुआ. आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न. तो टाइप्स है इसके डिफरेंट है, सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न और मल्टी पीस पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, स्वीप पैटर्न. इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स है. इस पैटर्न के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड कैविटी को प्रोड्यूस करते हैं और मोल्ड कैविटी से कास्टिंग प्रोडक्ट को निकालते. बट दिस पैटर्न इज द रिप्लिका ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट एंड यूज टू प्रिपेयर ए मोल्ड कैविटी इन टू ए सैंड एंड पोर ए मोल्टन मेटल इन दिस मोल्ड कैविटी. तो ये डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स है. लास्ट और भी बचे स्केलेटन पैटर्न. इस तरह से ये पैटर्न्स थे. इस पैटर्न के डिफरेंट डायग्राम्स है जो ये चार्ट में मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिया. इसमें हम एक एक डायग्राम को समझेंगे तो आपको काफी क्लियर होगा. स्टार्टिंग में हमने कास्टिंग प्रोसेस की डायग्राम देखी थी, उसमें एक ही सिंगल पीस पैटर्न था. सिंगल पीस यानी क्या, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक ही इसमें प्रोड्यूस हो, दैट इज ए सिंगल वन. जैसे कि हमारा ग्लास है, घर में आपके कटोरी है, ये सारे सिंगल पीस प्रोडक्ट है जिसमें कोई जॉइंट्स नहीं होते और एक ही मोल्ड कैविटी के अंदर डालने के बाद वो बन जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ए सिंगल पीस पैटर्न. देन नेक्स्ट है आपका मल्टी पीस और कोप एंड ड्रैग पैटर्न. तो मल्टी पीस यानी क्या, तो ये एक ही कैविटी के अंदर डालने के बाद ये पैटर्न इजीली बाहर निकल सकता है क्या. जैसे कि ये इजीली बाहर निकल जाएगा मोल्ड कैविटी के अंदर से साइड से और बाद में आप रनर राइजर बना के इसको मोल्टन मेटल से फिल कर सकते. पर ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट का जो शेप है वो बाहर निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता. इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसको ब्रेक करना पड़ा जहां से उसका शेप चेंज हो रहा है. तो इस तरह से हमने क्या किया, कोप के अंदर एक शेप बनाया, ड्रैग के अंदर एक शेप बनाया और दोनों को असेंबल किया. तो दैट इज कॉल्ड एज ए कोप एंड ड्रैग पैटर्न और टू पीस पैटर्न. अगर इसमें दो पीस है, तीन पीस है, तो थ्री पीस पैटर्न, फोर, फाइव, सिक्स ऐसे पीसेस बढ़ रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज ए मल्टी पीस पैटर्न. तो ये क्या होगा, एक ये कैविटी बनाएंगे हम सैंड के अंदर, ये दूसरी ये कैविटी बनाएंगे, तीसरी ये कैविटी बनाएंगे और उसके बाद इसमें से मटेरियल को, ये पैटर्न को रिमूव करेंगे, ठीक है. इनको रिमूव किया तो यहाँ पे इन तीनों को एक साथ ज्वाइन किया तो एक डिजायर शेप मिल रहा है. दैट इज कॉल्ड एज ए मल्टी पीस कोप एंड ड्रैग और थ्री पीस, टू पीस और मल्टी पीस पैटर्न. समझा इतना. नेक्स्ट है हमारा मैच प्लेट पैटर्न. मैच प्लेट में क्या होता है, आपको सेंटर लाइन से जो एक मैच प्लेट रहेगी उसके सेंटर से आपको डिफरेंट पैटर्न्स को ज्वाइन करना है. दैट इज कॉल्ड एज ए मैच प्लेट पैटर्न.
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मल्टीपीस, जैसा ही ये मैच प्लेट होता है, ठीक है। इसके बाद में है अपने का लूज पीस पैटर्न। तो लूज पीस में क्या होता है, हमारा जो हैवी शेप का ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें बनाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हाई कॉस्ट लगेगी पैटर्न के लिए। तो उसके लिए हम लूज पीस प्रोवाइड कर सकते हैं। लूज पीस एडिशनल कंपोनेंट आप अटैच करो और उससे आप पैटर्न से मोल्ड कैविटी बना सकते हैं। देन है आपका स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट यानी क्या, तो इसके दो टुकड़े होना, यानी सेंटर से जैसे कि ये थ्री पीस हो रहा है, थ्री टुकड़े हो रहे हैं, वैसे ही इसमें सेंटर लाइन से दोनों साइड में इक्विवेलेंट होने के वजह से इसके दो टुकड़े करेंगे और इसमें ड्वेल पिंस रहेगी जो हमारे सेंटर पोजीशन को दोनों का सेंटर मैच करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से हम स्प्लिट पैटर्न यानी टू पीस पैटर्न जैसा ही होता है, पर दिस इज ए सिमेट्रिक शेप, दिस इज ए डिफरेंट शेप, ठीक है। इनके क्रॉस सेक्शन मैच नहीं हो रहे, इनके क्रॉस सेक्शन मैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिट पैटर्न। नेक्स्ट हमारा स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन यानी क्या, तो बहुत बड़ा शेप होता है, बहुत बड़ी थिकनेस होती है। अब उनको प्रिपेयर करके पैटर्न में प्रिपेयर करना डिफिकल्ट होता है हैंडल करना, तो स्केलेटन शेप बनाया जाता है, यानी उसका एक नॉर्मल से थिकनेस और उस थिकनेस के हिसाब से या फिर स्केलेटन यानी उनके आउटर शेप के हिसाब से कुछ शेप्स को प्रिपेयर किया जाता और उसी के अकॉर्डिंग ये पूरे शीट में फॉलो किया जाता, ठीक है। जैसे कि हम रंगोली निकालते हैं, जो संस्कार भारती रंगोली है, जिसमें हम एक सर्कल को पिन अप करके रोटेशन फॉर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए स्केलेटन पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीप पैटर्न। तो स्वीप पैटर्न इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ संस्कार भारती रंगोली। तो आपको सेंटर को मार्क करना है और नेक्स्ट कैविटी से उसको घुमाना है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए स्वीप पैटर्न, यानी एक साइड से आप शेप बनाओगे और बाद में एक सर्कुलर सेंटर से उसको पूरा सर्कल में रोटेट करोगे। इस फॉर्म में आपकी घर की प्लेट्स, डिशेस, सर्कुलर डिश, इस तरह से सर्कुलर डिश प्लेट्स, ऐसे फॉर्म के स्वीप पैटर्न से ऑब्जेक्ट बनते हैं। देन है फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो बोर्ड बना के भी आप एक फॉलो बोर्ड बना के भी आप उसमें कैविटीज को फॉर्म करके फॉलो बोर्ड पैटर्न से भी मोल्ड कैविटी प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट अबाउट द टाइप्स ऑफ पैटर्न्स यूज इन कास्टिंग। नेक्स्ट इज ए कलर कोडिंग ऑफ पैटर्न मेकिंग। तो पैटर्न मेकिंग में डिफरेंट कलर कोडिंग्स होती है, क्यों होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कलर कोडिंग फॉर द कास्टिंग मटेरियल टू बी यूज और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलरिटीज टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग मोल्डिंग। जैसे कि आपने MWM में पढ़ा था कि हर कंपोनेंट को एक सिंबल दिया जाता है, तो यहाँ पे पैटर्न के ऊपर कलर लगे होंगे, उस कलर के वजह से आपको पता चलेगा कि उसका मीनिंग क्या है। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कोडिंग सिस्टम इन पैटर्न। फर्स्ट इज फैसिलिटेटिंग रिमूवल फ्रॉम द मोल्ड बाय स्मूथिंग द सरफेस एंड अचीविंग ए सेपरेटिंग इफेक्ट अगेंस्ट एडरनेस स्टिकिंग ऑफ द मोल्ड मटेरियल टू बी पैटर्न और कोर बॉब सी सेपरेटिंग एजेंट प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्फ्लुएंसेस बाय द मोल्ड मटेरियल ड्यू टू फ्रिक्शन इम्पैक्ट्स एंड वाइब्रेशन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द इंग्रेस ऑफ मॉइस्चर एंड एग्रेसिव मीडिया इन टू द मोल्ड सरफेस वेदर प्रोटेक्शन। तो ये कोडिंग क्यों बनाई जाती है, ताकि हम वो कास्टिंग प्रोडक्ट को घिसने से या फिर प्रोटेक्ट इन्फ्लुएंस फ्रिक्शन इम्पैक्ट या वाइब्रेशन से या फिर वेदर के इसमें से उस सरफेस को प्रोटेक्ट कर सके। दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कलर कोडिंग इन पैटर्न। तो ये डिफरेंट कलर कोडिंग से, जैसे कि ब्लैक दिख रहा है, वाइट, ब्लैक, रेड, येलो और येलो विथ रेड स्ट्रिप्स एंड येलो विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, ऐसे डिफरेंट कलर्स है। और उसका उसका यहाँ पे एरिया भी दिया है कि ये क्यों यूज है, पर इस टेबल पे वो क्लियर नहीं है। ये हम कलर ऑफ पैटर्न्स देखेंगे। ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर यूज होता है द सर्फेसेस विच आर टू बी लेट अन मशीन आर पेंटेड विथ ब्लैक कलर। तो जहाँ पे जिस सर्फेस को मशीन नहीं करना है, अनमशीन पार्ट है, उसको हम देंगे ब्लैक कलर। रेड कलर कब यूज करेंगे, द सर्फेसेस विच आर टू बी मशीन आर पेंटेड विथ रेड कलर। जो सर्फेस का पैटर्न का पोर्शन रहेगा जिसको हमें मशीन करना है, मशीन अप्लाई करना है, उसको हम देंगे
रेड कलर. नेक्स्ट है येलो कलर, द कलर प्रिंट्स एंड सीड्स फॉर लूज कलर, लूज कोर प्रिंट्स आर पेंटेड विथ येलो कलर. तो जो कोर प्रिंट्स रहेंगी, जैसे कि हॉलो पोर्शन जनरेट करना है, तो जहां पे हॉलो पोर्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा कलर यूज होगा, रेड. ब्लैक इज ए अनमशीन, रेड इज ए मशीन सरफेस, येलो इज ए लूज पीस और कोर पैक प्रिंट्स. येलो बेस विथ रेड स्ट्रिप्स, येलो बेस है और उसमें रेड लाइन्स है. द सीड्स फॉर लूज पीस आर मार्क्ड विथ रेड स्ट्रिप ऑन येलो बेस. तो ये किसके लिए है, लूज पीस के लिए, जहां पे लूज पीस पैटर्न यानी वो मटेरियल थोड़ा सा हमें एडिशनली प्रोवाइड करना है, पर बाद में वो हम निकाल भी सकते हैं. उस लूज पीस पैटर्न को फॉलो करने के लिए ये येलो बेस विथ रेड स्ट्रिप्स होती है, वो बताया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज ए लूज पीस. यानी मटेरियल उसमें कैविटी बनाते हुए उसको हॉलो करना है, बाद में उसको प्रोड्यूस करना. येलो बेस विद ब्लैक स्ट्रिप्स, द स्टॉफ ऑफ्स आर इंडिकेट बाय डायगोनल ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो बेस. तो जो स्टॉफ्स ऑफ रहेंगे उसके लिए येलो बेस विद ब्लैक स्ट्रिप्स रहेंगे. तो दैट इज अबाउट द कलर कोडिंग्स यूज इन पैटर्न मेकिंग. लास्ट है नो कलर्स, नो कलर्स जहां पे कलर्स नहीं रहेंगे, द पार्टिंग सर्फेस इज इंडिकेटिंग बाय नो कलर. जो पार्टिंग लाइन का सरफेस है वहां पे कलर नहीं किया जाता, तो उससे पता चलता है नो कलर दिस पार्टिंग लाइन सरफेस. नाउ द टाइम इज टू डिस्कस यूनिट आउटकम अचीव बाय दिस लेक्चर एज डिस्क्राइब कास्टिंग प्रोसेस एंड पैटर्न मेकिंग. क्लासिफाई पैटर्न एंड कास्टिंग. समरी ऑफ टूडेज लेक्चर एज इंट्रोडक्शन टू कास्टिंग प्रोसेस एंड पैटर्न मेकिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ पैटर्न एंड कास्टिंग. प्रोग्राम आउटकम्स अचीव बाय दिस लेक्चर एज PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO2 is. Now the time is to give some assignment and that assignment is assignment number 14. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question is, describe casting process with the help of block diagram. Write different color coding used in pattern. List the types of pattern and draw its diagram. For solving this question, watch this video again and again. Any query, then contact to subject. टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम कास्टिंग एंड प्लास्टिक मोल्डिंग के रिगार्डिंग पैटर्न के मटेरियल्स और उनकी प्रॉपर्टीज को. तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन.